हेलो मैं डॉक्टर सी वी यादव यूट्यूब के इस मंच पे दोस्तों आपका स्वागत करता हूं और आज हम चर्चा करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के जो इंटरव्यू है उस इंटरव्यू में जो इंटरव्यू में एक्सपीरियंस हैं जो इंटरव्यू दे रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए जो एक बड़ी ज़रूरत होती है इंटरव्यू की कि आखिर कॉन्फिडेंस का निर्माण कैसे किया जाए और ये टॉपिक मैं क्यों ले रहा हूँ ये इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि जो हमारा इंटरव्यू प्रोग्राम चल रहा है पिछले दो महीने से मैं लगातार आपके साथ इस इंटरव्यू प्रोग्राम से जुड़ा हुआ हूँ दिन के पाँच छः घंटे लगातार आपसे इंटरेक्शन होता है आप मौक लेते हैं वन टू वन सेशन होते हैं बोर्ड टीचिंग सेशन होते हैं कल एक बोर्ड टीचिंग सेशन हुआ है बहुत बीस बच्चों का उसके अपने अनुभव है तो एक चीज़ बार बार रिजल्ट के तौर पे आती है वो है विद्यार्थियों का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत नीचे होता है और वैसे भी दोस्तों कॉन्फिडेंस का निर्माण होना ही अपने आप इंटरव्यू की तैयारी है तो क्यों नहीं मैंने ऐसे सोचा कि मैं कुछ आपको ऐसे सूत्र बताऊं जिसके माध्यम से एक स्टूडेंट आप जो तैयारी कर रहे हो वो अपने कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ा सकते हो कैसे उसको बुस्टअप दे सकते हो क्या तरीके हो सकते हैं तो मैंने इस पर कुछ होमवर्क किया है जो आपसे लगातार इंटरेक्शन के माध्यम से जो अनुभव होते हैं उन अनुभवों को समेटा है जो मेरे अपने अनुभव है इंटरव्यू के दौरान के उनको समेटा है जो हमारे साथी लोग हैं उनसे बातचीत की है और मैं इस कॉन्फिडेंस बिल्डअप के पाँच सूत्र जो जो आपको एक मदद करेंगे ऐसे मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में देखिए मित्रों जिसका कॉन्फिडेंस अच्छा होता है जिस भी विद्यार्थी का उसका प्रेजेंटेशन उसका नॉलेज जो होता है वो डिलीवर होता है उसका प्रेजेंटेशन उसकी बॉडी लैंग्वेज में दिखता है एक विद्यार्थी जब इंटरव्यू बोर्ड के कक्ष में आता है आने से बैठने इंटरव्यू देने और वापस जाने तक उसकी हर बॉडी लैंग्वेज हर शब्द और शब्द के पीछे विश्वास उन सब में कॉन्फिडेंस दिखता है और आ, जब आप चले जाते हैं तो हम इंटरव्यू बोर्ड में पीछे बैठ के जो चर्चा करते हैं वो क्या करते हैं सबसे पहला सवाल ये आता है कॉन्फिडेंस लेवल कैसा बच्चे का कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है तो आप सोचिए कि कॉन्फिडेंस पूरे इंटरव्यू की जब जान है इसेंस है तो क्यों नहीं हम इस पर काम करें कि आप अपने कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ा सकते हो देखिए कोई ऐसा तो है नहीं कि कॉन्फिडेंस कोई आ, कोई थ्योरी से बढ़ जाएगा या कोई आपको दवा पिला दी जाए ऐसा नहीं है इसके लिए कुछ चीज है कुछ बेसिक चीज है कुछ साइकोलॉजिकल बातें हैं कुछ हमारी प्रैक्टिस की बातें हैं और वो सारी जब हम स्टूडेंट के अनुभवों से देखते तो उन चीजों के आधार पर कुछ चीज आप कर सकते हो क्या क्या कर सकते हो आ, मैंने पांच सूत्र तलाशे उनमें से मैंने लिख दिया है इन सूत्रों को कि कैसे क्या करें ताकि हमारा समय बच सके मुझे लगता है पहला चीज जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप में हो सकता है वो हो सकती है कि हमारा जो अवचेतन मस्तिष्क है उसको प्रशिक्षण दे अ मित्रों जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो हमारे व्यवहार को रेगुलेट करता है हम अचानक से बनी परिस्थितियों में कैसा व्यवहार करेंगे वो सब कुछ हमारे सबकॉन्शियस माइंड से डिसाइड होता है तो क्यों नहीं अगर सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेनिंग दे करके उन परिस्थितियों के लिए अवेयर कर दिया जाए तो इंटरव्यू में जो अचानक से परिस्थितियां पैदा होती है आ, उनको उस समय आप सोच के कॉन्शियसली नहीं कर पाएंगे तो जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आपका उसी तरह से एक रिएक्शन देगा आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके व्यवहार आपके शब्दों पर नियंत्रण आपके अपीरियंस को सुधारेगा आपकी डिलीवरी को बढ़ाएगा तो सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेनिंग दें लेकिन सवाल उठता है कि सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेनिंग कैसे दें ध्यान दीजिए मित्रों ये जो सबकॉन्शियस माइंड है ये चुपके से सुनता है हमारे आत्मबल का निर्माण हमारे विश्वास का निर्माण इसी से होता है इसलिए हमारे अवचेतन मस्तिष्क को ट्रेनिंग देने का जो उपाय है वो यह है कि आप बार बार इन बातों को दोहराइए कि मैं आ, बहुत मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा होगा मैं इंटरव्यू दे सकता हूँ मैं एक अच्छा इंटरव्यू दूंगा या दूंगी आप जो है मेरा मेरे मेरे से जब क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो मैं ईमानदारी से उनका उत्तर दूंगा या दूंगी आप मेरा जो बोर्ड टीचिंग होगा वो बहुत बेहतरीन होगा मेरा सब्जेक्ट में मेरा अच्छा कमांड है और मेरे इतना बढ़िया कमांड है कि मैं ज़्यादातर सवालों का जवाब ईमानदारी से और बहुत अच्छे से डिलीवर कर पाऊंगा या पाऊंगी मतलब इस तरह से आप लगातार सोचें और इसकी दो चीज दो टेक्निक है जो मैंने आ, खुद ने अपनाई भी है हमारा सबकॉन्शियस माइंड जब हम सोते हैं उस समय जो हमारा लास्ट विचार होता है वो फिर रात को फिर आ, उसको उसको स्थापित करता है और जब हम उठते हैं और पहला संकल्प लेते हैं ये दो चीज ज्यादा प्रभाव डालती है तो हम क्या करें सोते समय हम ऐसी बातों का दोहराव करें जो मैंने आपको बताया है और जब हम उठे उठते ही हम इन बातों को फिर दोहराएं कि मेरा इंटरव्यू अच्छा होगा मैं एक अच्छा इंटरव्यू दे सकता हूँ मेरा बोर्ड टीचिंग बहुत अच्छा है मैं मेरी सब्जेक्ट पे कमांड बढ़िया है मैं ऐसा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ तो जब आप ऐसा करेंगे और अपने दोस्तों से बात करें या मुझसे बात करें या इंटरव्यू प्रोग्राम, प्रोग्राम में मुझसे बात करो या इंटरव्यू प्रोग्राम में जैसे मेरे मोह इंटरव्यू देते हो या अलग अलग जो स्टेजेज पर आप आते हो उससे पहले आप इस संकल्प को दोहराएँ इससे क्या होता है इससे आपका जो जो, जो सबकॉन्शियस माइंड है मित्रों वो तैयार होता है वो उसको ये विश्वास हो जाता है कि आपका प्रेजेंटेशन अच्छा है और आपका धीरे धीरे डर निकलने लगता है और जैसे ही डर निकलने लगता है वैसे ही आपका प्रेजेंटेशन बेहतर हो जाता है तो एक सूत्र जो मुझे लगा कि मुझे आपको बताना चाहिए वो है कि कंटिन्यूसली आपके इंटरव्यू डेट तक लगातार आज ही से चाहे रिजल्ट नहीं आया है लेकिन आपको लगता है कि आपका इंटरव्यू कॉल हो जाएगा अभी से अपने आप को अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेनिंग देना शुरू करो मतलब आप गलती से भी ये मत कहिएगा कि मुझे इंटरव्यू से डर लगता है मेरा इंटरव्यू खराब हो जाएगा मुझे तो कुछ आता ही नहीं है कम से कम ये बोलना भी बंद करेंगे तो आपका प्रेजेंटेशन सुधर जाएगा तो एक सूत्र तो ये हुआ दूसरा सूत्र क्या हो सकता है दूसरा सूत्र होगा वो एक मात्र मैं तो मानता एकमात्र ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है अभ्यास अभ्यास और अभ्यास जो प्रैक्टिस होती है उसी से कॉन्फिडेंस और आत्मबल का निर्माण होता है मित्रों ध्यान देना कई बार आप कहते हो कि आ, मुझे इसके लिए मोटिवेशन चाहिए मैं खुद मैनेजमेंट का और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का विद्यार्थी हूँ पढ़ता हूँ इन चीज़ों को खूब इसको एक्सपेरिमेंट भी किया है खूब सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाए मोटिवेशन से सफलताएँ नहीं मिलती है किससे मिलती है मनोबल से मिलती है मोराल से मिलती है और मोराल का निर्माण अच्छे एक्सपीरियंस और अभ्यास से होता है तो तो अभ्यास कीजिये, अभ्यास कीजिये अभ्यास अभ्यास तो अभ्यास कीजिए, कीजिए कीजिए। और कैसे? जैसे की बात आती है, तो आप, आप लोग कॉल करते हैं मेरे इंटरव्यू प्रोग्राम में सर फिजिक्स के मौक होंगे कि नहीं होंगे साइकोलॉजी के मौक होंगे या नहीं होंगे जैसे मौकी इंटरव्यू की तैयारी है नहीं आप समझे इस बात को अभ्यास जो है वो ट्वेंटी फोर आवर जब आप सो रहे हो उसको तो छोड़ दीजिए बाकी ये अभ्यास की प्रक्रिया जब भी आप थोड़ा सा समय मिले आप अभ्यास में आ जाइए देखिए अभ्यास ही साधना है मैंने जीवन से सी यही सीखा है कैसे अब आपको मैं बताता हूं कैसे जब आप वॉकिंग कर रहे हैं तो अभ्यास कीजिए कैसे अभ्यास करेंगे कि आपसे कोई क्वेश्चन पूछा आपने खुद से क्वेश्चन पूछा फिर उसका जवाब दीजिए फिर कोई क्वेश्चन पूछा जवाब दीजिए जब आप स्नान कर रहे हैं तो अभ्यास कीजिए जब आप टेबल पे एक टॉपिक तैयार कर लिया एक टॉपिक को पूरा डीपली फट लिया फटने के बाद में उसका अभ्यास कीजिए कि क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर जब आप कहीं ट्रेवलिंग कर रहे हैं तो अभ्यास कीजिएगा अभ्यास का कोई समय नहीं। जब समय मिले, आप अभ्यास आपके जवाबों का अभ्यास शुरू कर दीजिए और फिर उस अभ्यास का परीक्षण करवाइए क्योंकि कई बार जैसे बायोडेटा पे अन्य चीजों पे मैं देखता हूँ आप तो अपने मन में बहुत अच्छा तैयार करके बैठे हो कि मुझे ये ये बताऊंगा या ये ये बताऊंगी लेकिन मित्रों सामने वाले को तो जस्टिफाई नहीं होगा ना वहाँ वो गलत हो जाएगा इसलिए अपने अभ्यास को टेस्ट करवाइए जैसे बोर्ड टीचिंग अभ्यास कीजिए अपने कुछ ग्रुप्स बनाइए अभ्यास कीजिए लेकिन उसका टेस्ट हो और इसीलिए इसी के लिए हमारा इंटरव्यू प्रोग्राम डिजाइन है मैंने मेरा पूरा इंटरव्यू प्रोग्राम डिजाइन किया आपकी तैयारी के लिए उसमें इसी बात का ध्यान रखा है कि टाइम टू टाइम आपके अभ्यास को एक स्पेस दिया जा सके और उसको सही डायरेक्शन दी जा सके तो जैसे आप वन टू वन सेशन में आते हो तो आपके अभ्यास का मैं टेस्ट करता हूँ

विजुअल आर्ट के अंदर जो टॉप किया मेरा स्टूडेंट ने उसका जो सार था वो ये था कि सर एकमात्र रूप से इंटरव्यू अभ्यास का नाम है हमने बोर्ड टीचिंग का मौका जो अभ्यास किया तो वो जो गलतियां इंटरव्यू बोर्ड के समक्ष होती वो हमको पहले पता लग गई और उन्हें अभ्यास के द्वारा जो मैंने उनको टेक्निक्स बताई उससे उन्होंने सुधारा और इंटरव्यू बोर्ड में बेहतर uh, प्रेजेंटेशन हो गया क्योंकि इंटरव्यू बोर्ड पे गलतियाँ इरिवर्सिबल होती है दोबारा मौका नहीं मिलता है इसलिए हर चीज़ पे काम करो एक एक चीज़ पर बायोडाटा पे काम हो बोर्ड टीचिंग पे काम हो आपका सब्जेक्ट uh, पे अलग अलग डायमेंशन पे काम हो और uh, इसके अलावा आपका जो uh, Uh, बोर्ड टीचिंग के बाद में क्या क्वेश्चन हो सकता है उस पर काम होना चाहिए आपकी जो प्रोफाइल पे काम हो आपका पीएचडी का टॉपिक है तो उस उसपे काम हो आपका पीएचडी पे टॉपिक नहीं है लेकिन रिसर्च से संबंधित काम हो कहीं कोई ऐसा एरिया नहीं होना चाहिए जिस पे आपका अभ्यास नहीं हो केवल इंटरव्यू बोलने का नाम नहीं है कि वहां जाके बैठ गए और आपको पूछा और आप जवाब दे दिए वहां ओवरऑल प्रजेंटेशन होती है उसमें कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए तो एक दूसरी चीज मैंने आपको बताया सूत्र वो है अभ्यास तीसरा सूत्र क्या हो सकता है इसमें तो वो मुझे लगा वो 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 शानदार चीज है 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 मित्रों आपका जो है शरीर मन और आपकी विल पावर आपका जो संकल्प शक्ति है उसकी उसको एकाकार कर देना उसकी एकाकार ये बहुत इसका सिंक्रोनाइजेशन होना बहुत जरूरी है क्योंकि स्टूडेंट में अगर मैं सबसे मेजर कोई डिफॉल्ट देखता हूँ तो यहीं पे है करते क्या है कि स्टूडेंट जो है वो सोच कुछ अलग रहा है मेरे इंटरव्यू में बेहतरीन नंबर आना चाहिए मैं टॉप करना चाहिए मेरा सिलेक्शन होना चाहिए लेकिन उनका एक्शन की जगह है वो वो कहीं और है मतलब जो सोच रहा है वो उसकी क्रिया में नहीं झलक रहा क्योंकि अल्टीमेटली क्रिया से रिजल्ट बनेगा आपकी सोचने से रिजल्ट नहीं बनेगा तो आप क्या सोचते हो और आप क्या कर रहे हो और आप उसके बीच में आपका मन क्या कर रहा है ये तीनों अलग अलग जगह हैं गांधी ने कहा ना मन वचन और शरीर आ, की एकाकारता हो मन वचन और कर्म कर्म तो अल्टीमेटली जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है इसमें वो शरीर का मतलब इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है क्रिया आप क्या एक्शन करते हैं मित्रों ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये क्या है आप एक्शन में अभ्यास कर रहे हैं आप एक्शन के भीतर जो आप पढ़ रहे हैं उसमें उसकी रेलेवेंसी पढ़ रहे हैं उसके पक्ष विपक्ष पढ़ रहे हैं ये इंपॉर्टेंट चीज है तो एक्शन क्या है आप क्या उसका परीक्षण करवा रहे हैं तो ये सब चीजें न करके सिर्फ मैं सोच रहा हूं मेरी संकल्प शक्ति इससे है अल्टीमेटली बनता कर्म से है गीता में नहीं सुना आपने कर्मण्य वा दिखा रहे थे माफ ले फल फल से कुछ आप सोचने से डिसाइड नहीं होगा कि फल के प्रति आ सकते रखो अगर आपका एक्शन आपके कर्म सही डायरेक्शन में है तो रिजल्ट पक्के तौर पे सही मिलेगा ही मिलेगा तो मेरा मित्रों आपको सुझाव है अपने एक्शन पे काम करो ये सोचना ओचना यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो देखना इनको कम कर दो है ना तो आपको एक्शन करो लगातार अपने पॉइंट्स पे एक्शन करो ये रखें सूत्र पांच ये है आ, अपने शब्दों पर नियंत्रण की कला विकसित करो ये मैं इंटरव्यू के लिए विशेष बता रहा हूँ कि इसमें कॉन्फिडेंस बिल्डअप में ये चौथा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, है क्यों क्योंकि जैसे आप मेरे पास आते हो हमारे पास आते हो तो हमारे पास जैसे आप चाहे बोर्ड टीचिंग या मो वन टू वन सेशन या एक्सपर्ट से संवाद ये सारे हमारी जो एक्टिविटीज है उन पे जैसे ही आप आते हैं तो हम कहते हैं कि आप अननेसेसरी बहुत ज़्यादा बोल जाते हो या जो जरूरी है वो नहीं बोलते हो तो जो आपका थिंकिंग प्रोसीजर है और वो जो आपकी जबान है जो यहाँ से आपका निकलता है क्योंकि अल्टीमेट तो ये जो निकल रहा है उसी सी चीजें डिसाइड होगी उनका सामंजस्य नहीं है आप ऐसा सोच नहीं रहे थे लेकिन आप बहुत ज्यादा बोल गए तो शब्दों पर नियंत्रण मतलब आपकी आप जो शब्द बोले वो शब्द बहुत ही गहराई से उत्तर के आने चाहिए शब्दों के बीच में गैप हो और जितना पूछा गया उस पूछे गए चीज के इर्द गिर्द ही बात रखे न अनावश्यक बात करें और उनमें धीरे धीरे डेप्थ आए और वो नेचुरल भी लगे उसमें सहजता भी हो सहजता तो तभी होगी जब आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होगा क्योंकि हम देखते ही हैं कि कॉन्फिडेंस किसी का अच्छा कैसे कैसे पता लगता है इसका तो कहते हैं कि ये सहज है है जो एक नेचुरल वे उसमें कोई इंटरव्यू दे रहा है अपनी डिलीवरिंग कर रहा है तो हम कहते हैं उसका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है तो आपको फिर मेरा सुझाव है कि लगातार शब्दों पर नियंत्रण की कला विकसित करो लेकिन सवाल फिर आ जाता है कि सर करे तो कैसे करें तो मैं आपको थोड़ा उपाय बताता हूँ करना ऐसा है मित्रों कि आपको जो जो दैनिक जीवन की आपकी दिनचर्या है उसमें आप किसी से भी बात कर रहे हो चाहे परिवार में दोस्तों से टीचर से सहपाठियों से, से किसी से भी बात कर रहे हो तो उनसे जो बातचीत का संवाद हो उसमें केवल रेलेवेंट चीज ही बोलो जो जरूरी है वो ही बोलो बाकी शब्दों को हटा दो आपने देखा जैसे जैसे आप

भीतर से ईमानदारी से बात करो और बात करते समय आपके शब्दों में आपके भाव भी हो और भाव में प्रेम भी हो और उनमें करुणा भी हो तो ऐसी जो भाषा है वो किसी पे भी प्रभाव छोड़ती है उसमें सम्मान भी हो तो शब्दों पे कला और शब्दों के साथ भावना सम्मान इसका एक लगातार अभ्यास आप कीजिएगा ये मेरा चौथा सूत्र है और लास्ट पांचवा सूत्र है वो यह है की सुनने की कला को विकसित करो ये मुझे लगता है कि देखिए पांच सूत्र बताए उनमें कोई छोटा बड़ा नहीं है लेकिन फिर भी ये जो श्रवण कला है ये अपने आप में इंटरव्यू का बेस हो जाता है कैसे अब आप देखिए कि आप इंटरव्यू के भीतर होता क्या है कि आपसे साक्षात्कार करता सवाल पूछता है और वो सवाल पूछते समय उसके दिमाग में एक थिंकिंग है कि वो चाहता क्या है और सुनने की कला का मतलब होता है जब वो सवाल पूछे तो उसकी आंखों में आई कांटेक्ट के माध्यम से अब आई कांटेक्ट भी कैसा सम्मान के साथ आई कांटेक्ट के माध्यम से वो जो पूछना चाह रहा है उसके भाव को पहचान लेना उसके को पहचान लेना और फिर वहीं पे अपना उत्तर डिलीवर करना और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपना आंसर को जो इंटरव्यूअर है जो पूछना चाह रहा है आपसे उसके आत्मा पे आप अपना आंसर को रख पाएंगे और जैसे जैसे कहेंगे वो कहेंगे वाह तो आप ये तभी संभव होगा जब आप सुनने की कला को विकसित करेंगे सुनने की कला का मतलब एक और भी है जब आप दैनिक जीवन में बात करते हैं तो किसी को सुनते हो तो सुनने के और अपने रिएक्शन के बीच में एक गैप तय करो

सुनने की प्रतिक्रिया के बीच में गैप दें और सुनने में ये पता करें कि वो पूछ क्या रहा है और फिर उसी के अनुसार अपना आंसर रखें हर किसी से जहां भी हो आप मित्रों वैसे भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर एक बहुत बड़ी जॉब ये केवल जॉब नहीं है आई बनते हैं तो वो एक लास्ट एक जॉब है आई ए बन गया लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर तो एक पहली सीडी है मित्रों फर्स्ट सीडी यहाँ से तो आपकी शुरुआत होती है ग्रेड पे इतनी होती है जो आई की भी नहीं है यहाँ से एक शुरुआत होती है और यहाँ से यात्रा शुरू होती है जीरो से और आपके ऊपर लिमिट क्या है वो आप अभी जानते नहीं हो आप कहीं विदेशों में बहुत अच्छे अच्छे संस्थानों में बहुत अच्छे अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूटों में बहुत अच्छे अच्छे अकेडमी में इसका एक अलग आनंद है एकेडमिक फील्ड का मैं आपको ये इसलिए भी कह रहा हूँ आप, आप अगर मेरे से कुछ मोटिवेशन लेना चाहते हैं ये मोटिवेशन सबसे शानदार है इसे हल्के से मत लीजिएगा ये एक अवसर आता है इस अवसर को छोड़िए मत इसकी 360 डिग्री तैयारी कीजिए और तैयारी जैसे भी करें लेकिन इसका चूंकि अब की बार मैंने एक प्लेटफॉर्म डेवलप किया है कि मैं आपको इस इसकी तैयारी को गंभीरता दें इसकी तैयारी को क्योंकि ये आसान काम नहीं होता तैयारी करवाना हर बच्चे के साथ हर एक्सपीरियंट के साथ अलग से समय देना उसको पहचानना जितनी देर

खुद मैंने कितना अभ्यास किया इसका साक्षात्कार का तो अब धीरे धीरे मैं ये नहीं कहता कि परफेक्ट हूँ लेकिन उस अभ्यास प्रक्रिया से एक अनुभव से एक ऐसी कम से कम साक्षात्कार के एक एक विशेष देखने की दृष्टि डेवलप हुई है कि मैं देख के बता सकता हूँ कि इस स्टूडेंट को ये ज़रूरत है ये चीज़ें करनी चाहिए चीज़े। तो वो हमारा जो इंटरव्यू प्रोग्राम चल रहा है अगर आप उससे जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल सिंपल तरीका हमारी ऐप है सी कैंपस ऐप जब आप ये ऐप डाउनलोड कर लेंगे गूगल प्ले स्टोर पे जाके तो आप इस पे स्टोर पे जाइए और फिर असिस्टेंट प्रोफेसर इंटरव्यू का जो हमारा एक उसके भीतर कोर्स बना हुआ है उस कोर्स को आप एनरोल कर लीजिए उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए तो आप डायरेक्टली जैसे जैसे करते हैं तो सवाल आते हैं स्टूडेंट के सर फिर शुरू कब करेंगे आप इंटरव्यू प्रोग्राम ये डेली चलता है मित्रों मैंने बताया भी है डेली पाँच छः घंटे सात घंटे मेरे इसी में जा रहे हैं तो उस प्रोग्राम में मैं आपसे डेली रूबरू होता हूं तो जैसे ही आप ये कोर्स लेते हैं तो हमारी जो टीम है वो आपसे से डे बाई डे लगभग नहीं तो दूसरे दिन आपसे संपर्क कर लेती है आपके शेड्यूल ऑफलाइन और ऑनलाइन मतलब आप दूर हो तो आपको ऑनलाइन जूम पे हम कर लेते हैं आप पास में हो तो हम हमारा डेली जैनित इंस्टीट्यूट के भीतर जयपुर में टोंक फाटक वहाँ पे ऑफलाइन होता है तो वहाँ पे हम लगातार ऑफलाइन और जो दूर होते हैं उनसे ऑनलाइन वन टू वन सेशन करते हैं फिर सात दिन में दस दिन में बोर्ड टीचिंग के पंद्रह पंद्रह या बीस बीस स्टूडेंट के ग्रुप्स को बुलाते हैं उनका बोर्ड टीचिंग का एक पूरा पूरा से सत्र होते हैं सभी के और एक्सपीरियंस शेयर होते हैं उसके पश्चात जो है ओरिएंटेशन प्रोग्राम अभी होने वाला है वो थोड़ा बाद में करेंगे और फिर एक्सपर्ट के साथ संवाद बीच बीच में मैं जूम पे भी मिलाता रहता हूँ और फिर एक मोक इंटरव्यू तो इस तरह से लगातार चलता रहता है इसके बारे में डिटेल जानकारी लेनी होती ये है कॉन्टैक्ट नंबर है सेवन जीरो टू नाइन डबल फाइव आप ऑफिस के नंबरों पर संपर्क कर लो आपको मुझसे ही बात करनी है जो बार बार स्टूडेंट रखते हैं तो बात मैं मेरे अनुसार समय दे दूंगा लेकिन फिर भी कोई मुझसे कोई चर्चा करनी हो तो एक टेक्स्ट मैसेज कर दीजिए मेरे नंबर है नाइन डबल एट सेवन एट नाइन एट वन एट वन तो इस पर जब आप टेक्स्ट मैसेज करेंगे तो मैं आपको समय बता दूंगा या मैं कॉल कर लूंगा या केवल टेक्स्ट मैसेज से काम चल जाएगा तो मैं आपको जवाब दे दूंगा व्हाट्सएप कर सकते हो तो आप इस तरह से हमारे इंट्रो प्रोग्राम से जुड़ सकते हो तो मैंने पांच सूत्र बताए मित्रों पहला सूत्र क्या है पहला सूत्र है वो है कि आप अपने अवचेतन मन को प्रशिक्षण दो इसके तरीके मैंने बताया दूसरा सूत्र प्रैक्टिस 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 तीसरा सूत्र अपनी जो मन अपना शरीर अपनी जो संकल्प शक्ति उनको जोड़ो उनको जोड़ो और कर्म पर फोकस करो एक्शन पे आपका एक्शन देखना चाहिए चौथा सूत्र अपने शब्दों पर नियंत्रण का अभ्यास करो और इसकी कला विकसित करो कि आपके शब्दों में डेप्थ आए आपके शब्दों का वजन बढ़े और आपके शब्द सही जगह सही शब्द का इस्तेमाल हो और अगर कोई तकिया कलाम शब्द आ रहे तो उनको हटाना शुरू कर दो और पांचवा और आखिरी सूत्र क्या है सुनने की कला विकसित करो और सुनने की कला में जो बोल रहा है सामने वो क्या सुन क्या चाहता है क्या पूछना चाहता है उस तक पहुंचने का एक अभ्यास विकसित करो और इसके भीतर आप जो प्रतिक्रिया देंगे वो प्रतिक्रिया में थोड़ा समय लो तो ये पांच सूत्र बताएं निश्चित तौर पर ही मुझे पूरा विश्वास है कि आपको अपने साक्षात्कार की तैयारी में असिस्टेंट प्रोफेसर के साक्षात्कार की तैयारी में बल्कि दूसरे भी साक्षात्कार की तैयारी में ये मदद करेंगे और फिर हम किसी अन्य वीडियो के साथ मिलेंगे एक लेक्चर के लिए मेरे लिए आपने काफ़ी कहा है कि मैं मेरे अपने जो इंटरव्यू के अच्छे एक्सपीरियंस रहे हैं उनको साझा करूँ किसी अन्य उसमें करेंगे लेकिन आप मिलेंगे तो फिर और बातें करेंगे चलिए आज इतना ही थैंक यू सो मच